हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर बाबा। दिस इज पार्ट 7 ऑफ लिस्ट व्यू कंट्रोल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू यूज सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट इन लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो जैसा कि आपने ग्रिड व्यू में देखा होगा कि आपके पास एक बटन होता था सेलेक्ट नाम से, जब आप उस बटन पर क्लिक करते थे, सेलेक्ट बटन पर क्लिक करते थे, तो पूरी की पूरी जो रो होती थी वो सेलेक्ट हो जाती थी। तो सेम टास्क हमें यहाँ पे करना है लिस्ट व्यू में, तो ये कैसे होगा, तो हम ये प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसी को मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक है डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स, ये ले लिया मैंने, और इसका जो आईडी है इस आईडी को कर लेते हैं कॉपी इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारे पास जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है, लिस्ट व्यू कंट्रोल में हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डेटा सोर्स, ठीक है। तो डेटा सोर्स इज इक्वल टू, और इस डेटा सोर्स में आपको यहाँ पे एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस लिस्ट व्यू को बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज यहाँ पर आपको लिखना है, वो है डेटा की नाम से, ठीक है। डेटा की नेम इज इक्वल टू कोटेशन मार्क, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पी आई डी, जो आपके डेटाबेस में जो कॉलम, जो भी कॉलम प्राइमरी की होगा उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लेआउट टेम्पलेट आपको यहाँ पे बनाना है, और फिर उसके बाद लेआउट टेम्पलेट यहाँ पे क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे आइटम टेम्पलेट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये जो आइटम टेम्पलेट क्रिएट किया है आपने, इस आइटम टेम्पलेट के बाद आपको एक और यहाँ पे यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फिर से एक टीडी क्रिएट करना है, और इस टीडी में आपको एक बटन लेना है। कौन सा बटन लेना है, लिंक बटन यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिंक बटन ले देते हैं, और इस लिंक बटन का जो आपको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देना है, यहाँ पर आपको इसके फॉन्ट को क्या कर देना है, बोल्ड इज इक्वल टू आपको इसे ड्रॉ कर देना है, और बोल्ड के बाद इसका जो टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट भी हम दे देते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर कलर दे देना है, ठीक। इस तरीके से आपने इसे सेव कर लिया, और अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक बटन जो दिख रहा है ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर आप इसे क्या कर लो, सेलेक्ट, ओके। तो ये मैंने कर लिया इसे सेलेक्ट इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसे बना लिया, और इसका जो आईडी होगा लिंक बटन 1 होगा। और अब हम चलेंगे, यहाँ आएंगे आइटम टेम्पलेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टीडी क्लोज करना है और टीआर क्लोज करना है, देन आइटम टेम्पलेट क्लोज करना है, और इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक, जिसका नाम क्या है, सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट आपको ये लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से जो ऊपर आपने क्रिएट किया है ये पूरा आपको फिर से यहाँ पे लेना है। इसे आप कॉपी कर लो, यहां तक आप इसे कर लो कॉपी, ठीक है। तो आपने इसे यहां तक कॉपी कर लिया, तो यहां पर आपको ये तीनों चीज यहां पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। यहां पर ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये क्लास का नाम जो है इसे आपको बदलना है, ठीक है। तो यहां पर जो क्लास का नाम होगा वो होगा सेलेक्टेड आइटम सीएसएस, ओके। सेलेक्टेड आइटम CSS आपको ये क्लास का नाम देना है, और इस क्लास के नाम को यहां से कॉपी कर लेना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका CSS कोड जो है, तो CSS कोड में आएंगे और ये अल्टरनेटिव को हम मॉडिफाई कर देते हैं, ओके। और इसके बाद यहां पर आपको लगाना है डॉट इस तरीके से, इसे कर लेते हैं सेव, ठीक, ये सही है। और इसका जो कोड है CSS का, अब वो हम यहां पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देते हैं ऑरेंज रेड कर देते हैं इसे, ओके। और इसे स्नो कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली, तो चलो फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा इसे हम चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं कोरियर, तो ये कर दिया कोरियर न्यू। और उसके बाद इसे कर देंगे मीडियम के हटा के, इसे हम कर देते हैं लार्ज, बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ले लेते हैं फॉन्ट स्टाइल करके, इसे हम कर देते हैं इटैलिक, ओके। हाइट हो गई 30, इस तरीके से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सेलेक्ट बनाना है ना, तो हम एक सेलेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट हमें ये बनाना है। तो हम तो ये तो बना ही रहे हैं, हमें आइटम टेम्पलेट तो बनाना ही है जिसमें हमें वैल्यू शो करनी है, तो लेबल ले रखा है। तो सेम यही आप कॉपी कर लो, और उसके बाद आप क्या कर रहा है, सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट आपको बनाना है, और फिर से आपको यहीं पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आपने क्या ले रखा है, एक लिंक बटन यहाँ पर ले रखा है। जब आप इसे करोगे रिफ्रेश,
तो जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये डेटाबेस से सारी वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट नाम का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कमांड लेना है, यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लेना है, वो होगा कमांड नेम। ठीक है, तो कमांड नेम इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सेलेक्ट। ओके, तो जैसे आप कमांड नेम सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, लिंक बटन पे आपने कमांड नेम तो दिया नहीं, जब आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे कमांड नेम इज इक्वल टू सेलेक्ट, और अब जाके जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, अभी से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, तो अब जाके जब आप इस सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो पूरी की पूरी रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी रो जो है वो क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। तो ये किसके थ्रू हो जा रहा है, ये हो रहा है सेलेक्ट कमांड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट के थ्रू पूरी की पूरी रो को आपने सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।